नया बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूं और दालों की जानकारी हम यहां से हासिल करेंगे। दालों के क्या रेट चल रहे हैं, जैसे मूंग दाल हो गई, मसूर हो गई, चना हो गया, उड़द की दाल हो गई और काबली चना हो गया, कई तरह की जो दालें हैं, कितने प्रकार की दालें हैं और इस वक्त इनका क्या भाव चल रहा है, यही हम जो है व्यापारियों से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं श्रीनिवास फूड इंडस्ट्री से सोनू बाबा। एक बड़ी मात्रा में ये दालों के व्यापारी हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि दालों का क्या भाव इस वक्त चल रहा है और दालों के भाव कम होते हैं या बढ़ते हैं तो उसकी क्या वजह रहती है। मेरा नाम है सोनू बाबा, श्रीनिवास फूड इंडस्ट्रीज, 4080 नया बाजार, दिल्ली से। अभी जैसे दालों का भाव चल रहा है, कौन कौन सी दाल है और आज का क्या क्या भाव है? हमारे पास है मूंग दोवा है, चना दाल है, मसूर है, काबली है, मटर दाल है। चना दाल का भाव इस टाइम पे छोटी का 7950 और उससे थोड़ी मोटी है वो 8050 है। मूंग दोवा है 100 प्राइस और 103, 104 कोरी है और तलाई वाली जिसकी भुजिया बनती है उसका भाव है 118 रुपये। और काबली का इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 105 रुपये। पिछले 5 से 10 दिन के बीच में काबली में 500-700 रुपये की तेज़ी आई है। पहले इस पर स्टॉक लिमिट लगा रखी थी, कुछ मंदा भाव हो गया था, इस टाइम पर स्टॉक लिमिट हटा दी गई है तो थोड़ी बहुत तेज़ी आई है, परंतु इतनी तेज़ी आने के बाद भी कोई इतना काम है नहीं, ऐसे आसार है कि वापस मंदा होगा काबली। क्या वजह लग रही है कि मतलब इसके स्टॉक कर दिया था या भाव तेज़ी आई थी? इसका इसलिए कर दिया था कि जितने भी जिन लोगों के पास स्टॉक था उन्होंने सब ने अपना स्टॉक बेचने के लिए सब निकाल दिया। सरकार ने बोला गया था कि स्टॉक नहीं रखेंगे ज़्यादा, तो जब जिनके पास स्टॉक कराया गया तो उन्होंने अपना सारा माल बाहर निकाला, तो मंदा तो आएगा ही आएगा। इसलिए काबली 800-900 रुपये मंदा भी हो गया था, वापस फिर 500-700 रुपये की तेज़ी है काबली में जी। अभी कहाँ कहाँ से आ रही हैं दालें जो है, जैसे काबली? काबली है ये ज़्यादातर कर्नाटक और महाराष्ट्र से आ रहा है इस टाइम पे। पहले तो कनाडा से भी आते थे, ऑस्ट्रेलिया से आते थे, अभी कनाडा ऑस्ट्रेलिया का काबली कोई आ नहीं रहा है, ओनली कर्नाटक और महाराष्ट्र से ही और MP से आते हैं। जैसे अगर भाव की बात करें तो उस समय क्या भाव था, अगर पिछले महीने की बात? पिछले महीने की बात करो, जैसे आज का टाइम 105 रुपये आज इस टाइम पे, तो पिछले महीने की अगर हम बात करें तो 98-99 का भाव था। क्या लग रहा है कि आगे आने वाले और कुछ दिनों में इसका भाव बढ़ेगा? हमें आने वाले टाइम में हमें तो लगता नहीं है कि भाव बढ़ेगा, मंदा ही होगा, तेज़ नहीं होगा। काबली चना जी, काबली चना लगभग हर मार्केट कोई भी तेज़ नहीं होगी, अभी मंदे के आसार है। तो जैसे मौसम हो रहा है बरसात का मौसम जी जी, तो इसमें कोई फसल वगैरह खराब होती है तो? हाँ, इसमें असर पड़ेगा, फसल खराब होगी तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे MP में और राजस्थान में काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई है, तो इससे फसल खराब हुई है तो इससे असर पड़ेगा। मूंग तेज़ हो सकती है, हाँ मूंग अरड़ भी तेज़ हो सकती है, पर फिलहाल में अभी अरड़ में भी मंदा है, मूंग में भी मंदा है, कोई चीज़ तेज़ है नहीं। अभी क्या भाव चल रही है मूंग के? साबुत मूंग का भाव अभी 93-94 का भाव चल रहा है, और मूंग दाल है 96-98 छोटी मोटी जी। अगर जैसे भाव गिरने की बात करें तो कितना तक गिर सकता है, और बढ़ने के ऊपर अगर जाए तो कितना ऊपर जा सकता है? देखो जी, इसका खास अनुमान कोई लगा नहीं सकता, फिर भी ये है कि 200-400 रुपये मंदा ही होगा, तेज की कोई संभावना नहीं है जी। क्योंकि मंडी जो है, मंडी डेली बेस पे भाव खुलता है, कब तेज़ हो जाए कब मंदी हो जाए, पीछे से जैसे कच्चा माल तेज़ होगा यहाँ पर दाढ़ें तेज़ हो जाएंगी जी। दिन भर में मतलब कितनी बार भाव खुलता है मंडी का? लगभग अगर तेज़ी पीछे से तेज़ी बनती है तो दिन में 2 बार भी तेज़ हो जाता है, मंदा भी हो जाता है, वैसे लगभग पूरा दिन में एक ही भाव टिक जाता है, अगले दिन ही पता लगता है, फिर 10-11 बजे जैसे मार्केट खुलती है तो क्या तेज़ है क्या मंदा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चना दाल भाव की। चना दाल भाव का जो रेट है वो 7950 रुपये है, और चना दाल मोटी उसका जो है 8500 का, यानी 8500 का उसका जो है भाव है। मूंग धोवा जो है वो 100 रुपये चल रही है, जिसको मूंग तलवा दाल बोलते हैं उसका भाव 118 का है। तो लगभग सभी दालों के भाव में जो है वो तेज़ी तो देखने के लिए नहीं मिल रही दुकान, अगर व्यापारियों का माने, लेकिन यह है कि काबली चने में जो है तेज़ी देखने के लिए मिली है, 500 से 700 रुपए की उसमें तेज़ी आई है।
जब से स्टॉक लिमिट हटाई गई है, लेकिन फिर भी अगर पिछले महीने की बात करें तो चना जो है वो पहले मद्दा था, लेकिन यहाँ व्यापारियों का ये भी कहना है कि स्टॉक लिमिट हटाने के बाद भी जो है चने में वो बात नहीं आएगी जो पहले थी। पिछले महीने के अगर काबली चने की बात करें तो पिछले महीने 800 से 900 रुपए जो है मद्दा रहा है, चने का जो बाज़ार है वो 800 से 900 रुपए मद्दा रहा है, लेकिन इसमें एक अच्छी खबर ये है कि आज का जो भाव है उसमें 500 से 700 रुपए की जो है काबली में तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अब यह है कि लगभग सभी जो दालों के बाज़ार हैं वो एक से रहेंगे, लेकिन इसमें यह है कि मूंग दाल के जो है उसमें तेज़ी आने की संभावनाएं जो है यहाँ व्यापारी बता रहे हैं कि मूंग दाल में जो है तेज़ी आ सकती है। उसका कारण यही है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जिस तरीके से बारिश हुई है तो वहाँ कई फसलें जो है बर्बाद हो गई हैं, तो मूंग दाल में तेज़ी आने की संभावना है। और दूसरा जो काबली चना है, काबली चना एक अच्छी जो है कीमत पे बाज़ार में मिल रहा है, लेकिन फिर भी 500 से 700 तेज़ी आने के बाद भी लोग अभी कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा इससे बढ़ोतरी नहीं होगी। दिल्ली से मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।